नमस्कार साथियों, श्री श्याम डेवलपर्स फिर आपके लिए लेके आ गया है 2BHK आसान मासिक किस्तों पे। और ये कैसे बना होने वाला दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। इससे पहले मैं थोड़ी डिटेल्स आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इस फ्लैट का साइज होने वाला है 70 गज, जो कि बना हुआ है DLF अंकुर विहार के अंदर। और इसमें मैं यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिट है इस पूरी बिल्डिंग के अंदर, मात्र 6 फैमिलियाँ रहेंगी, तो आपको उससे भी कोई परेशानी होने वाली नहीं ज़्यादा भीड़ भाड़ से। और सामने 40 फीट की रोड है, पार्क है के लिए आपको। चलो साथियों, शुरू करते हैं आपके सपनों के घर का सफर और देखते हैं कैसा होने वाला है फ्लैट। आइए तो दोस्तों, सफर स्टार्ट करते हैं आपके फ्लैट का। ये कैसा होने वाला है हम आपको दिखाते हैं। ये आपका आपका एंट्री करने के बाद लिविंग एरिया आ जाता है, जिसका साइज होता है 12x12 का। तो उसके बाद हम इसी की मेन डोर की बात करें तो मेन डोर की जो हाइट होने वाली है 8.50 फीट होने वाली है। और सामने हम आप टेक्सचर वॉल आप देखिए, सामने हमने डिजाइनिंग वॉल करके दिया बहुत अच्छे से, और ऊपर फॉल सीलिंग दिया डबल, उसमें आप देख सकते हो। और साथ ही साथ ये इसका LED पैनल है, यहाँ पर आप टीवी आराम से अपना LED लगा करके आप इसको देख सकते हो। और यहाँ पर जो हमने दिया है पूरा L टाइप का सोफा आएगा आपका, बीच में आपका टेबल आ जाएगा, डाइनिंग टेबल। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। बेडरूम है ये, कैसा होने वाला आप देखिए। इसका मेन डोर की एंट्री भी हुई है 8.5x फीट और दोनों तरफ हाई ग्लोसी सनमाइका। आप अंदर आइए, 10x10 का इसका बेडरूम साइज होने वाला है। आप देखिए सामने डिजाइनिंग वॉल हमने करके दिए, ऊपर दो हर कमरे में फॉल सीलिंग करके दिए, और ये कोब लाइट्स के साथ है, और ये आपकी कंसल लाइट हमने अलग से लगा के दी है। मतलब किसी चीज़ में हमने कंजूसी नहीं करी है, आपके कस्टमर को ऐसा ना लगे कि कहीं हमने कुछ कमी छोड़ी है। तो इसके बाद हम अब आते हैं फर्स्ट बेडरूम के बाद आपका फर्स्ट वॉशरूम में। ये आपका कॉमन वॉशरूम है, आप इसको देख सकते हैं। नीचे टाइलें भी 2x2 की लगाई दी है, ऊपर हमने 7 फीट तक आपको टाइल लगाई दी है, शावर लगा के दिया है, फिटिंग वगैरह हमने पूरी अच्छे से करके दी है सर, आप देख सकते हो। साइज भी अच्छा है। और इसके बाद हम आते हैं, ये आपका पैसेज एरिया हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं किचन में। आप किचन देखिए सर, किचन बहुत अच्छा है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देगा। किचन पर छोटी छोटी लाइटें हमने लगा के दी है अलग से, कि दिक्कत ना हो। और हम किचन की बात करें सर, किचन का साइज बहुत अच्छा है, पूरा मॉड्यूलर किचन है आपका। ग्रेनाइट का पत्थर इस पे लगा के दिया हमने ऊपर, आप देख सकते हो। हम हर वीडियो में नया नया कुछ करते हैं कि अच्छे कस्टमर की जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी कर सकें। तो आप देखिए इसका साइज बहुत अच्छा है, इसका कवर्स वगैरह ड्रॉर वगैरह बहुत दिए हैं, इसमें आपको सामान रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऊपर चिमनी का स्पेस दिया, छोटी छोटी लाइटें हमने यहाँ पर वर्क करके दिया है। हाई ग्लोसी सनमाइका इसमें भी यूज़ की हुई हमने शाइनिंग के साथ, आप देख सकते हो। चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ, आइए कैसा होने वाला है मैं दिखाता हूँ। इसकी भी एंट्रेंस में वही है, सेम साइज रखा है 8.5x फीट का अपना डोर। आप आइए, अब ये कैसे होने वाला, ये आपका मास्टर बेडरूम है, इसके साथ आपका अटैच वॉशरूम है। इसमें ऊपर भी सर फॉल सीलिंग में डबल ही करके हमने दिया है, आप देख सकते हो। कोब लाइट है, फैन एसेसरीज जो लगी हुई मिल रही है आपको, सब ऐसी की एज इट इज मिलेगी। सर रूम का साइज इसका होने वाला है 11x10 का, आप देख सकते हो। एक हमने डिजाइनिंग वॉल इस पे भी करके दी है। वॉशरूम की बात करें तो आप वॉशरूम देख सकते हो, वॉशरूम साइज बहुत अच्छा है आपका। बाथिंग एरिया अलग से आपको दिख जाएगा, फिर आपका अपने हमने इसमें वेस्टर्न लगा के दिया है, और हाइट वही 7.5 फीट की होनी है टाइल्स की। ठीक है सर, अब मैं इसके बाद आते हैं हम अपनी फ्रंट बालकनी की तरफ। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होने वाली बालकनी, और सामने 40 फीट की सड़क भी है, दिखा दीजिए सर। वो टैब लगा हुआ है आपका वॉशिंग के लिए, यहाँ पर स्विच दिया हुआ है मशीन के लिए। आप सड़क देख सकते हो सर, मेन रोड है 40 फीट का। आशा करता हूँ साथियों आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई होगी, तो इसको अपना बनाने के लिए जल्द से जल्द विजिट कीजिए श्री श्याम परिवार पर, और इसको आसान मासिक किस्तें देकर के आप अपना बना सकते हो। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल पे आइए और आप वहाँ विजिट कर सकते हो। आपको 1, 2, 3 BHK सारी वीडियो आपको वहाँ मिलेगी। तो आपको अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अंत में आपसे अलविदा लेता हूँ साथियों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।